जिसका कोई काम नहीं है वही इशू बनाते हैं। ये तो एंटरटेनमेंट है, देखो मस्ती लो। मैं स्कूल की छुट्टी करके आया मूवी देखने, मूवी हिट निकलेगी और मूवी का ट्रेलर देख के मैं फर्स्ट मूवी देखने आया हूँ। हमने एक हफ्ता पहले ही बुकिंग कर दिया पठान के लिए। मैं शाहरुख खान का फैन हूँ बहुत बड़ा वाला, तो कितने भी रोक टोक हो हम लोग मूवी देखने में शर्माते नहीं है। और मूवी देश के प्रति शाहरुख खान का उसमें काफी अच्छा रोल है, तो हम मूवी बाइकआउट नहीं होने देंगे, मूवी देखेंगे। हमने एक हफ्ता पहले ही बुकिंग कर दिया पठान के लिए। मैं शाहरुख खान का फैन हूँ बहुत बड़ा वाला, तो कितने भी रोक टोक हो हम लोग मूवी देखने में शर्माते नहीं है। और मूवी देश के प्रति शाहरुख खान का उसमें काफी अच्छा रोल है, तो हम मूवी बाइकआउट नहीं होने देंगे, मूवी देखेंगे, चाहे कितनी भी महंगी हो हम देखेंगे। बहुत दिन के बाद, बहुत समय के बाद शाहरुख खान ने कम बैक करा है बॉलीवुड में, अच्छी पिक्चर लेकर के आया है। और अभी उसको देखते आगे कैसी है। बहुत लोग बॉलीवुड को ट्रोल कर रहे हैं कि बॉलीवुड खत्म हो चुकी है, ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बॉलीवुड कभी खत्म नहीं हुई है, बस हुआ है थोड़ा बहुत, दिए अच्छी फिल्में नहीं दिए, लेकिन अभी देखते हैं पठान से क्या कम बैक करती है बॉलीवुड। और रही बात कॉन्ट्रोवर्सी की, तो फिर वो सब पे हम लोग बिलीव नहीं करते, वो सब चलते रहता है। मंटा भी पोस्ट ऑफिस आया हूँ मूवी देखने, पठान की फर्स्ट मूवी देखने। मैं स्कूल की छुट्टी करके आया मूवी देखने, मूवी हिट निकलेगी और मूवी का ट्रेलर देख के मैं फर्स्ट मूवी देखने आया हूँ। बिल्कुल एक्साइटमेंट तो बहुत ज्यादा है शाहरुख के जितने फैंस है ऑल ओवर, बिकॉज ये 5 साल बाद शाहरुख वापसी कर रहे हैं बिग स्क्रीन में। एंड जो लास्ट इनकी मूवी आई थी उसके बाद एक बहुत सारी जिद्दोजहद भी उनके साथ, एंड उनके घर पे भी कॉन्ट्रोवर्सी उनके बेटे को लेकर, जिसकी वजह से बहुत बहुत डिप्रेशन में भी थे, उनकी शक्ल भी दिखता भी था एक्चुअली में। तो अभी जो मूवी है इस वजह से ट्रीट है ये शाहरुख के फैंस के लिए, एंड वी आर सो हैप्पी। जितनी भी कॉन्ट्रोवर्सी होती रहेगी, बट शाहरुख इज द किंग ऑफ बॉलीवुड, वी ऑल नो दैट। जिसका कोई काम नहीं है वही इशू बनाते हैं, ये तो एंटरटेनमेंट है, देखो मस्ती लो।